यदि फ्रेंड्स आपके पास भी Realme का एट स्मार्टफोन है और आपका Realme स्मार्टफोन अनलॉक नहीं हो रहा है क्योंकि आप इसके पासवर्ड को भूल चुके हैं जैसा कि मेरे पास कमेंट आया था मिस्टर विजय राघवन का कि सर आ, वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं चेन्नई से और उनका जो Realme मी एट स्मार्टफोन है वो लॉक हो गया है तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि आपके पास रियल एट Uh, के अलावा जितने भी रियल मी का स्मार्टफोन है चाहे आपके पास कोई भी रियल मी का हो और आपका यदि रियल मी का स्मार्टफोन लॉक हो गया है बिल्कुल इस तरह से तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप इस मैथड को सीख सकें जहाँ पर हम आपको इसके एक ऑफलाइन मैथड के बारे में बताएंगे जहाँ पर आप बिना कंप्यूटर अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने का ईजी मैथड सीख सकते हैं दो से तीन मिनटों का मैथड है आप आराम से सीख के अपने घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर पाएंगे तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आएगा एक ही रिक्वेस्ट है कम से कम लाइक करके जाइएगा ताकि हमें भी पता चले कि हमारे कितने लोग हमारे इस वीडियो से खुश हैं हैप्पी हैं तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं फ्रेंड्स रियल मी एट या फिर रियल मी के अलावा रियल मी एट के अलावा कोई भी मॉडल हो सेम प्रोसेस है कोई भी मॉडल का अलग अलग मेथड नहीं होता तो इसलिए आपके पास कोई भी है तो आपको सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करना है जो मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आपका लॉकिंग इंटरफेस है रियल का और ये आपका रियल का नार्ज़ो का स्मार्टफोन है जि, जिस जिसमें मैं मैं, आ, मैं आपको अनलॉक करने का मेथड बताने वाला हूँ तो फ्रेंड्स अभी आपको यहाँ पर करना क्या है इसे आपको एक बार ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा लेकिन आपको यहाँ पर गलत पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है वरना आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि नीचे की तरफ एक ऑप्शन देख रहे हैं आप जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल आपको इसे सेलेक्ट करना है जैसे दोस्तों आप इसे सेलेक्ट करते हैं आपके सामने इमरजेंसी कॉल्स ओनली का ऑप्शन आ जाएगा और यहीं पे आपको पहला स्टेप लेना है पहला स्टेप दोस्तों क्या है पहला स्टेप ये है कि आपको अपने स्मार्टफोन के जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रहे हैं या जितने भी सेटिंग ऑन है आपको उन्हें ऑफ करना है बंद करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक कमांड का इस्तेमाल करना है जो कि है स्टार हैच नाइन एट ज़ीरो वन सिक्स वन स्टार फाइव वन सिक्स वन सिक्स वन आपको फिर यहाँ पे हैच क्लिक कर देना है और दोस्तों इस नंबर पे आपको जैसा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस नंबर पे दोस्तों आपको कंटिन्यू फाइव टाइम्स कॉल करना है जी हाँ कॉल करेंगे आपको यहाँ पे एक ओके okay का मैसेज आएगा आपको यहाँ पे इसे ओके okay क्लिक कर देना है सेम प्रोसेस आपको पाँच बार करना है तीन चार और ये पाँच बार हो चुका हमारा बैकग्राउंड ऐप्स या फिर बैकग्राउंड हमारा जो भी सेटिंग या फिर एप्लीकेशन चल रहे थे वो सारे बंद हो जाएंगे अभी दोस्तों जो अगला स्टेप लेना है वो लेना है मास्टर अनलॉकिंग मोड का जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार हैज एट डबल नाइन और हैज फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके स्मार्टफोन में इंजीनियर मोड नाम से एक नया पेज आ जाएगा और इसी पेज पर आपको अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने का मैथड अप्लाई करना है करना क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है नंबर फोर के ऑप्शन पर जो कि है मेनुअल टेस्ट आपको इसे सिलेक्ट करना है इसके बाद आपको एक नया पेज आएगा उस पेज पे आपको इस तरह से स्लाइड करना है और उसके बाद आपको आप यहाँ पर दो, 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 दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको इस तरह से आ, पास करते जाना है ठीक है उसके बाद आपको जाना है थोड़ा सा और जाएंगे और हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर सबसे लास्ट के अदर वाले पेज पर पे और यहीं पर आपका स्मार्टफोन अनलॉक होने का मेथड आपको अप्लाई करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर फोर पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है डेटा बेस हो सकता है इसका नाम आपके स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर इसे क्रॉस चेक करना है क्या दिखा रहा है हो सकता है यहाँ पर आपको मेन वो वर्ज़न दिखा रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है नाम कोई भी हो बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है इसके वर्ज़न पे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वर्ज़न को आपने आप रियलमी स्मार्टफोन में क्रॉस चेक करिए यदि आपका सेम है तो समझिए कि आपका स्मार्टफोन भी अनलॉक होने के लिए रेडी है इनकेस आपका यदि डिफरेंट है तो आपका स्मार्टफोन का जो वर्जन है वो आउटडेटेड हो चुका है और आपको पहले इसे अपडेट करना होगा लेकिन 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 दिक्कत यहाँ पर यह है कि मार्केट में सौ तरह के वर्ज़न आते हैं उन सबों के मेथड भी अलग अलग होते हैं तो मैं किसी एक के बारे में तो बात कर नहीं पाऊंगा तो उससे बेटर है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपके पास कौन सा रियल का स्मार्टफोन है और उसका वर्जन क्या है ताकि हम आपको एक सूटेबल कोड दे सकें जिसका इस्तेमाल करके आप एक मिनट के अंदर अपने वर्ज़न को अपडेट कर पाएंगे सेम इसी वर्ज़न पर तो आपका ये मेथड अप्लाई होगा और आपका भी स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है इस नंबर पर आपको कंटिन्यूअस तेरह बार यानी कि थर्टीन टाइम्स कॉल करना है तो चलिए यहाँ पर इसे कॉल करते हैं सॉरी कॉल करते हैं मतलब कहने कि इसे का इसे uh, थर्टीन टाइम्स हमें टच करना है तो चलिए यहाँ पे इसे कंप्लीट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन अब दोस्तों आपको यहाँ पे बस लास्ट का स्टेप लेना है और आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा और लास्ट का स्टेप है नंबर थ्री पे दिए गए की स्टेटस को एक बार सेलेक्ट करना क्लिक करना तो चलिए यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं आपके जितने भी कीज़ हैं यानी कि कीज वो सारे यहाँ पे पास 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 आ गए हैं आपका गूगल का भी लॉक यहाँ पर रिमूव हो चुका है रीसेट हो चुका है अब आप यहाँ पर एक नया पासवर्ड न्यू पासवर्ड लगा सकते हैं आधे घंटे के अंदर वरना आपका स्मार्टफोन दोबारा से लॉक हो जाएगा तो इसे क्रॉस चेक करते हैं चलते हैं देखते हैं हमारा स्मार्टफोन लॉक हुआ कि नहीं हुआ इसे बैक करेंगे चलेंगे इसको होम स्क्रीन पे और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यह स्मार्टफोन सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है वो भी बिना कंप्यूटर आपका नहीं हुआ बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए बताइए कि आपके पास कौन सा रियलमी का स्मार्टफोन है और आपका वर्जन क्या दिखा रहा है